हेलो एवरीवन। तो आज हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो दूसरे टाइप से हम कैसे मैटर को क्लासिफाई करते हैं वो डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक, तो दूसरे टाइप से अगर मैटर को क्लासिफाई करना चाहें तो मैटर को एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्लासिफाई करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट की। ठीक, तो डेफिनेशन देखते हैं अगर एलिमेंट की। तो डेफिनेशन के हिसाब से तो एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल मीन लाइक हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसके हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से एलिमेंट वो है जिसको हम, ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम उससे ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते किसी भी केमिकल प्रोसेस को यूज करके। मतलब हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम जिस भी सब्सटेंस को और ज्यादा छोटा ना कर सके उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक, तो अभी एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये हमारा पहला वाला वही एग्जांपल जहां पे एक डिजाइन है हमारे पास। ठीक, और इसमें ये बॉल्स रखी हुई है। अब अगर मैं क्या करूं, इस डिजाइन को तोड़ दूं, ब्रेक कर दूं, तो इसके जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये बाहर निकल जाएंगे। ठीक, और ये मॉलिक्यूल्स बाहर निकल के भी अभी भी ऐसे के ऐसे ही रहने वाले, इसी के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। वो ऐसा तो है नहीं ये चेंज होके किसी और के मॉलिक्यूल्स हो जाए। कहने का मतलब ये है, अगर ऐसा समझो कि अगर हमारे पास आयरन है और आयरन को मैं तोड़ दूं। ठीक है, अब तोड़ दूं तो आयरन को तोड़ने के बाद उसके चार पीस करूं, छह पीस करूं, वो रहेगा अभी भी आयरन ही, वो चेंज होके सिल्वर या गोल्ड नहीं हो जाएगा। तो ऐसी चीज जो उसको और ज्यादा ना तोड़ा जा सके किसी और चीज में उसको हम एलिमेंट कहते हैं। ठीक, तो यहां पे अगर मैं इस डिजाइन को तोड़ता हूं तो इसके जो एटम्स होंगे या इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अभी भी इसी के मॉलिक्यूल्स रहेंगे। मतलब ये अभी भी इसी का ही हिस्सा है, तो ये एक एलिमेंट है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एलिमेंट है। ठीक, और इन्हें एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो ये हुआ हमारा एलिमेंट। तो आप देखते हैं कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड टूगेदर केमिकली इन अ फिक्स रेशियो बाय वेट। ठीक है, तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को हमने कंबाइन किया है एक साथ इस तरीके से, ठीक है, कि उनका जो वेट का रेशियो है या प्रोपोर्शन है वो हमेशा सेम रहे, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें वही डिजाइन का, हम अगर एग्जांपल लें तो यहां पे हमने दो अलग अलग टाइप की बॉल्स को एक साथ कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो एक बॉल ये हो गई और इसके साथ एक दूसरे टाइप की बॉल कंबाइन कर दी, इसकी एक बॉल ली और इस वाले टाइप की दो बॉल्स ली और कंबाइन करवा के इसको एक नया डिजाइन बनाने की कोशिश करी है। ठीक, तो ऐसे ही करके ये हर जगह कंबाइन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉल एक टाइप की और दो अलग बॉल दूसरे टाइप की, ऐसे यहाँ पे भी, यहां पर भी और यहां पर भी। ठीक है, तो ऐसा जो चीज बनती है हमारी उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, जिसमें क्या होता है एक एलिमेंट अलग है, दूसरा एलिमेंट अलग है, या तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इसका एक एग्जांपल लेके देखें तो अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देखें तो H2O हो गया हमारे पास। ठीक है, H2O जो है हमारे पास, यहाँ पे दो एटम हमारे पास हाइड्रोजन के हैं। ठीक है, और एक एटम हमारे पास ऑक्सीजन का। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, दो, ये जो दो बॉल्स थी एक टाइप की वो हाइड्रोजन की हो गई ऐसा समझो, और यहाँ पे ऑक्सीजन की एक जो बॉल हो गई वो एक अलग टाइप की अलग से हो गई। ठीक, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। तो आप बात करते हैं मिक्सचर की। तो पहले डेफिनेशन के हिसाब से देखते हैं, तो मिक्सचर इज एन सब्सटेंस फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड्स नॉट कंबाइंड केमिकली टुगेदर। ठीक है, तो मतलब ऐसा सब्सटेंस जो दो एलिमेंट
को मिला के या दो कंपाउंड को साथ में मिला के बना हो, लेकिन वो केमिकली एक साथ कंबाइन ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें, वो बॉल वाला एग्जांपल देखें, तो यहाँ या तो वो दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को हम साथ में मिला दें, तो यहाँ पे ये बॉल अलग टाइप की और ये दूसरी बॉल अलग टाइप की, या इन दोनों को मिला के जो बने वो मिक्सचर, या फिर दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड मिला के बने तो भी मिक्सचर। तो यहाँ पे दो अलग कंपाउंड ये हो गया, एक कंपाउंड ये हो गया, इसमें दो बॉल अलग टाइप की एक अलग टाइप की, और ये दूसरा कंपाउंड है जिसमें दोनों बॉल एक टाइप के। तो इनको भी अगर आप साथ में मिला के कोई चीज हमने नहीं बनाई है, नया सब्सटेंस बनाया है, उसको हम मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए ऐसा समझ लो कि आपने एक बाउल में या किसी भी कंटेनर में क्या करा हुआ, सैंड रखी हुई है। ठीक है, और सैंड के साथ छोटे छोटे आयरन नेल्स रखे हुए हैं। ठीक है, इसमें मिक्स करी हुई है आयरन नेल्स। ठीक, तो ये एग्जांपल हो गया मिक्सचर का। ठीक है, बाकी अब इन सब का एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर के आगे ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ठीक, तो साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर आपने पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री देखा होगा, ठीक है, तो आपने चीजों को कनेक्ट करना भी सीखा होगा। ठीक, तो अगर हम अगर देखें पार्ट वन टू थ्री, अगर आपने स्टेप वाइज तीनों पार्ट को पढ़ा होगा या तीनों पार्ट्स को देखा होगा, तो आपको चीजों को कनेक्ट करना भी आएगा। ठीक है, तो हमने पहले एटम्स और एटम मॉलिक्यूल्स और मैटर पढ़ा था। ठीक, फिर हमने सॉलिड लिक्विड और गैसेस। ठीक, और अभी वाले पार्ट में हमने एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर्स पढ़ा। ठीक, और आप पता है आपको कि एटम से मॉलिक्यूल्स बनता है, एटम और मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके मैटर बनता है। ठीक, और मैटर को ही दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, सॉलिड लिक्विड गैसेस में और एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर में। ठीक, और यहां पर भी एलिमेंट जो होता है उससे मिलके कंपाउंड बनता है। ठीक, और जो मिक्सचर होता है या वो एलिमेंट्स, खूब सारे एलिमेंट्स को मिला के बना देता है मिक्सचर को, या फिर कंपाउंड, खूब सारे कंपाउंड्स को या एलिमेंट कंपाउंड को मिक्स करके मिक्सचर बनता है। ठीक, तो हम जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ें या कोई भी चैप्टर पढ़ें, तो उनको कनेक्ट करना भी सीखें आपस में। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको चीजें सीखने में आसानी भी होगी और इंटरेस्टिंग भी लगेंगी चीजें पढ़ने में। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।